हाय गाइस, चावल बाइक केयर में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। ये देखिए, एक स्प्लेंडर सर्विस, अपाची सर्विस, एक ही स्प्लेंडर सर्विस और ZMR का इंजन वर्क। और आज हम इस बाइक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये सुबह को गाड़ी बहुत मिसिंग मारती है और स्टार्ट नहीं होती गाड़ी। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। करते हैं इस बाइक को स्टार्ट। देखो बहुत मिसिंग मार रही है गाड़ी, आवाज़ आ रही होगी। ये भैया बहुत परेशान है, देखिए देखो बंद हो गई बाइक। ये भैया बहुत परेशान है, इनकी गाड़ी देखते हैं क्या फॉल्ट निकलता है इनकी और गाड़ी में। और हम करते हैं इस बाइक का कार्बोरेटर साफ। हम इसका खोलेंगे पहले टूल बॉक्स, चाबी लो, रिलॉक को ऐसे घुमाना पड़ेगा और ये ढक्कन थोड़ा ऐसे खुलेगा। इस गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम, हम इसका कार्बोरेटर साफ कर रहे हैं। एक ये बोल्ट खुलेगा, बोल्ट दिखाओ। कार्बोरेटर कैसे साफ करें, एक ये बोल्ट है, फिर दो बोल्ट यहाँ पे 10 नंबर के हमारे, उसको खोलेंगे हम। ओके भाई, एक बोल्ट हम पल्ला वाला खोलेंगे, पल्ला वाला बोल्ट दिखाओ। ये VS4 मॉडल है स्प्लेंडर। और इसका हम टूल बॉक्स ऐसे निकाल लेंगे, ये हमारा टूल बॉक्स, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें गाड़ी की कुछ पेपर है लेकिन टूल किट नहीं है। मेरे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमें बाइक हमारी है, कहीं भी धोखा दे सकती है, हमें अपनी टूल किट बहुत ज़रूरी रखनी है, हमें अपनी टूल किट बाइकों में बहुत ज़रूरी। क्योंकि देखो हर जगह तो मिस्त्री मिलेंगे नहीं आपको, एक टूल किट और एक एक्स्ट्रा प्लग, स्पार्क प्लग जरूर रखें अपनी गाड़ियों में। आगे बढ़ते हैं, हम खोलते हैं इसका कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के लिए हमें एक ये पेच ये ढीला करना पड़ेगा और ये दो बोल्ट 8 नंबर के बोल्ट खोलेंगे। दो पकड़ो, आठ के पानी से ये बोल्ट। ये हमारी पैकिंग है कार्बोरेटर की। एक हम इस पाइप को निकालेंगे, एक ये हमारा ओवर पाइप है। ये हमारी स्लाइड है पिस्टन की। ये आ गया हमारा कार्बोरेटर बाहर। ये देखो कितना गंदा कार्बोरेटर है। ये भाई इतने परेशान थे इस गाड़ी को मिसिंग को लेके, सुबह को स्टार्ट नहीं होती थी। ये हमारे पास किसी के एडवाइस से आए, हमने इसका कार्बोरेटर खोला, देखो कितना गंदा। मतलब कहाँ से बाइक कहाँ से स्टार्ट होगी जब सर्विस, पता नहीं क्या मिस्त्री कैसे सर्विस करते हैं। मेरा मानना ये है कस्टमरों से, हर सर्विस पे कार्बोरेटर साफ करो तो भाइयों, कार्बोरेटर साफ करो, क्योंकि कार्बोरेटर मेन होता है। अब हम देखो कितना गंदा कार्बोरेटर है, बताओ सुबह को बाइक हमारी कैसे स्टार्ट होगी, कैसे माइलेज देगी बाइक। हम आपको दिखाएंगे ये कार्बोरेटर पूरा कैसे खुलेगा और कैसे साफ करें, कितना गंदा कार्बोरेटर है। हम इसको खोलेंगे, ओहो पेट्रोल निकल रहा है, ये थोड़ा कार्बोरेटर में पेट्रोल रहता है वो निकलता है। एक ये पेज खोलेंगे हम इसका, एक ये पेज खोलेंगे, हाँ पेज को एक दफ़ा बिल्कुल तसल्ली से खोलो, स्लिप मत होने देना पेज को, चार मुंह के पेज कर से। सफाई से कार्बोरेटर साफ करो। ये तसला हमारा, ये बुरुश है, हम इससे सफाई करते हैं, बढ़िया सफाई होती है इससे। ओ, बहुत गंदा कार्बोरेटर है इसका।
कोई नहीं, हम इसकी मिसिंग प्रॉब्लम ओके करके देंगे और गाड़ी वाले को भी दिखवाएंगे कि उसकी गाड़ी सही हुई है ना हुई। ये हमारे जेड है, सिलो जेड है, एक बड़ा जेड है। ये जेड का साफ होना बहुत ज़रूरी है, इनमें कचरा रहता है। कार्बोरेटर दिखाता रहे भाई, देख कार्बोरेटर कैसे खुला है। ये हमारा सिलोजेट है, ये तो बहुत जाम हुआ पड़ा है। ये देखो कार्बोरेटर की हालत, देखो कितना गंदा है कार्बोरेटर। ये देखो अब हम करते हैं इसको फिलिंग, दिखाते हैं फिलिंग कैसे होता है। कर दे चालू, कितना गंदा कार्बोरेटर है यार। बिल्कुल बढ़िया सफाई करनी है इसकी कार्बोरेटर की। ये देखो कितना गंदा कार्बोरेटर है यार। पेट्रोल की स्पीड मंदी करो भाई थोड़ी, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा भाई। ये बंद कर दो, बंद कर दो पेट्रोल को। देखो देखो और तो जाएगा, देखो दिखाओ भाई दिखाओ, देख रहे हो, देखो सही से दिखाओ बिल्कुल बढ़िया करके एकदम, पता लगे क्या काम हो रहा है हमारी दुकान पे क्या नहीं। बढ़िया से सफाई एकदम, देखो जहाँ जहाँ ब्रश मार रहे हैं सफाई हो रही है बेहतरीन एकदम। काम करो तो बढ़िया करो, वरना कद मत करो। काम करने का तरीका होना चाहिए, देखो काम तो कोई भी कर लेगा लेकिन काम ऐसा करो जिसमें शिकायत नहीं आए। इतना गंदा कार्बोरेटर, बहुत ज़्यादा गंदा कार्बोरेटर। देखो हो रहा ना साफ, ये देखो साफ हो रहा ना। हम आपको पूरी वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको भी पता लगे कि कार्बोरेटर कैसे कैसे साफ होता है, कहां कहां से साफ होता है। ये देखिए कैसे साफ हो रहा है, मज़ा आ गया इधर। ये भैया हमारे पास आए हैं संगम बिहार से, जब ये भैया आएंगे संगम बिहार से तो हम आपकी बात कराएंगे पहले कहाँ सर्विस कराते थे और किसने भेजा। इन्होंने काफ़ी जगह सर्विस कराई लेकिन ये मिसिंग की प्रॉब्लम कहीं ठीक नहीं हुई इनकी, तो हम इनकी मिसिंग सही करेंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इस गाड़ी में। देखो होता है कार, पूरी वीडियो दिखाएंगे, बोर मत होना, वीडियो को पूरा देखना क्यों, तो पूरी वीडियो देखोगे जब ही आपको समझ में आएगा कि कार्बोरेटर कैसे सफाई होती है। पेट्रोल खोलो, बंद कर दो। ये देखो सफाई, ये हमारे जेड है, खोलो पेट्रोल खोलो। वेटर हो पीछे से, ये हमारा कार्बोरेटर हो चुका है क्लीन। ये देखो सफाई दिखाई दे, इसमें जहाँ जेड लगते हैं हमारे हवा पानी बहुत ज़रूरी है हमें, ताकि कोई कचरा वचरा ना रह जाए इसके अंदर। और सफाई कार्बोरेटर फिटिंग करते समय सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। ये हमारे तो जेड है, सफाई इनकी भी बहुत ज़रूरी है, मेन यही होते हैं। एयर मारोगे ना तो कचरा वचरा जो होगा ना सब बाहर आ जाएगा बिल्कुल बढ़िया से एकदम, मारो बढ़िया हवा एकदम। सफाई होनी चाहिए, कस्टमर खुश होना चाहिए हमारे काम से, काम ऐसा करें। देखो इसमें बारीक बारीक होल होते हैं, उनमें कचरा चला जाता है।
ये हमारी जेड है और अब हम इन्हें फिटिंग करेंगे। फिटिंग करते समय सफाई का बिल्कुल ध्यान दें। ये पेचकस है, हम पहले पेचकस को साफ करेंगे ताकि कोई कचरा कार्बोरेटर के अंदर ना रह जाए। ये क्या है बताओ, कमेंट में बताओ मुझे ये क्या है। ये बोलते हैं इसे फ्रूट बॉडी। ये देखो, इसे बहुत से मिस्त्री भाई रॉकेट भी बोलते हैं इसको, लेकिन इसे नीडल पिन बोलते हैं। हमारी गाड़ी जब ओवर हो जाती है ना तो इसमें यहाँ देखो यहाँ लगती है, यहाँ कचरा जमा हो जाता है, उस कारण हमारी कार्बोरेटर जो है ओवर हो जाती है, पेट्रोल फेंकने लगती है। अगर आपकी बाइक भी ओवर हो रही है, पेट्रोल फेंक रही है, तो आप कार्बोरेटर साफ करें, कोई सामान डलवाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये देखो हम इसे ऐसे लगाएंगे, उसके बाद लगेगी हमारी ग्रिल पिन। इसके बाद हमारा ये का इसको कैसे लगाएं, देखो इसमें ये पेज का होल है, ये निशान दे रखा, ये देखो ये ऐसे लगाए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन करके कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी होगी उतनी हेल्प करेंगे, जितने हमें नॉलेज होगी उतनी आपको बताएंगे हम। ये देखो ऐसे टाइट करें, इसे अच्छे से टाइट हो गए और अब हमारा कार्बोरेटर हो चुका है तैयार। अब हम इसको करते हैं बाइक में फिटिंग। दिखाओ, ये हमारी स्लाइड है, स्लाइड को कैसे लगाएं। ये देखो हमारा कार्बोरेटर लगेगा ऐसे, ये जो स्लाइड है कट है इसमें, देखो कट दिखाओ, एक पूरा कट है और एक छोटा कट है। छोटे कट को हम इधर लगाएंगे जिधर से हमारा ये RPM बढ़ाया जाता है, और छोटे वाले लंबे वाले कट को हम इधर लगाएंगे ऐसे। ये ऐसे बैठेगा, इस पर ज़बरदस्ती नहीं करें बिल्कुल, और हल्के हाथ से बैठाएं इसे, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करें। थोड़ा सा कचरा हमारा यहाँ, इसे भी साफ करते हैं। ये साफ करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कार्बोरेटर में जो मट्टी जाती है यहीं से जाती है, और इसे कपड़े से अच्छी तरह पूछ लें। वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पहले आप इसे इसमें बिठाओगे हाउस पाइप में, ये देखो बड़े आराम से बैठ गया, पूरी वीडियो दिखाएंगे हम आपको। ये हमारी कार्बोरेटर की पैकिंग है, पैकिंग में जो ये टी का निशान होता है ना, ये एल्बो की तरफ रहेगा, जो टी का निशान है हमारा ये कार्बोरेटर की तरफ रहेगा ऐसे। ये हमारे दो बोल्ट 8 नंबर के, इन्हें हम लगाते हैं ऐसे। भाइयों ये जो बोल्ट है ना, इन्हें ताकत से टाइट ना करें, बड़े हल्के हाथ से टाइट करें, हिसाब से मतलब। अगर ज़्यादा टाइट करोगे पैकिंग हमारी प्लास्टिक की होती है, टूट जाएगी। टाइट करो इसको, और ये एक फेस टाइट होगा, फेस टाइट भी करो इसका पहली साइड से। ये पाइप लगाएंगे हम यहाँ पे, ये हमारा एयर का पाइप है दोस्तों। इस पाइप का लगना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस पाइप को नहीं लगाएंगे तो हमारी बाइक माइलेज नहीं देगी, पेट्रोल यहाँ से हमारा उड़ता रहेगा, वेस्ट होता रहेगा। इस पाइप को ज़रूर लगाएं सभी मैकेनिक भाई, और जो भी कार्बोरेटर खोल के साफ करें, कोई भी बंदा फंस सकता है, आप फ़ोन कर सकते हैं।
कार्बोरेटर हमारा फिटिंग हो चुका है और अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व पूरी नहीं हुई, ये की लगाई हमने, चाबी इग्निशन ऑन, मारेंगे सेल। ओहो ये देखो छूते नहीं, सेल स्टार्ट हो गई बिल्कुल गाड़ी हमारी। देखो ये देखो आवाज आ रही है, एक बार और स्टार्ट करेंगे। पहले इतनी प्रॉब्लम थी, सेल्फ मारते रहो बाइक स्टार्ट नहीं होती थी। चाबी ऑन, ये बार हमने सेल्फ, इधर आएगा ऊपर आएगा नीचे आएगा, ये देखो एक किक में भी स्टार्ट, सेल्फ में भी स्टार्ट। बाइक हमारी बिल्कुल रेडी, ये देखो कोई मिसिंग नहीं, बहुत से मैकेनिक मिसिंग के चक्कर में कभी कोयल डाल देते हैं, प्लग डाल देते हैं, मेन आइटम जो होता है साफ़ करने के लिए कार्बोरेटर उसे साफ़ करते हैं नहीं। कब हम मिलवाते हैं गाड़ी वाले से। ये भैया ओनर है। हाय भैया कैसे हो, कहाँ से आए हो आप? अच्छा आपकी बाइक में क्या प्रॉब्लम थी? मेरी बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम। अच्छा तो आपने कहीं दिखाया मिसिंग को? अच्छा अब देखो भैया हमने इसका कार्बोरेटर साफ करा, बिल्कुल गाड़ी कैसी लगी अब आपको? ओके एक सेल में स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल ओके है, काम आपका बहुत अच्छा लगा देखने में। ठीक है भाई, इतना बढ़िया काम है, आप इसके अंदर कोई मिसिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं बिल्कुल नहीं आएगी। देखो तुम्हारे सामने हमने एक बाइक स्टार्ट करके दिखाई है एक सेल में कार्बोरेटर साफ करने के बाद। ठीक है भैया, कोई भी दिक्कत लगे कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना आप हमारा और मैसेज कर देना हमें आप। ठीक है ओके भाई, ठीक मानने गए हैं और आ गए। आओ हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल सर ओके, मिसिंग तो नहीं कर रही गाड़ी? नहीं सर। चला के देख के आए आप खूब? ठीक है भैया,